अधिवक्ता एकता मंच ने कानपुर में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के विरोध में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं तहसील परिसर में भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया, जिस वजह से पूरे तहसील परिसर में सन्नाटा छाया रहा। बिलारी में अधिवक्ता एकता मंच से जुड़े अधिवक्ताओं ने कानपुर में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठी चार्ज और मारपीट के विरोध में उपजिलाधिकारी रामगोपाल सिंह के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही अधिवक्ता दिलदार हुसैन पर हमला करने वाले पर कार्यवाही न करने पर बिलारी कोतवाली पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करने की चेतावनी दी। सिटी न्यूज संवाददाता को प्रदर्शन की जानकारी देते हुए अधिवक्ता एकता मंच के अध्यक्ष लखन वीर सिंह एडवोकेट ने बताया, प्रशासन द्वारा कानपुर में अधिवक्ता साथियों पर निर्मम रूप से लाठियां भांजना ये बहुत ही निंदनीय है और उन्होंने एक संभ्रांत अधिवक्ताओं के साथ ये दुराचार करके अपनी निंदनीय कार्रवाई की पोल खोल दी है। एक संभ्रांत व्यक्तियों के ऊपर गैरकानूनी ढंग से हमला करने के उपरांत हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। यदि उन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा तो सारे भारतवर्ष के अधिवक्ता एक हैं और हम आर पार तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम सब एक हैं। अधिवक्ताओं से टकराना ये अच्छी बात नहीं है। हम शांति चाहते हैं, हम कानून की बात करते हैं। यदि पुलिस प्रशासन ने कानून को तोड़ा और अधिवक्ताओं का दमन किया तो उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर संभव आंदोलन की तैयारी करते रहेंगे और उनका जवाब आंदोलन से करते रहेंगे। इस मौके पर शरीफ अहमद, जसपाल सिंह, कुंवर पाल सिंह, सतीश पाल, अजय वीर, बाबू हुसैन, राधेश्याम शर्मा, सुरेश सिंह, रहीस, चैतन्य पाल, विक्रांत कुमार, तंजीम इकबाल, सत्यवीर सिंह, दिलदार हुसैन, रामप्रकाश शर्मा, आदेश सक्सेना, प्रमोद कुमार शर्मा, मेघ सिंह सागर सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।